गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ई की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? तो दो तरीके की ई होती है। एक में आवाज आती है छोटी वाली ई, और एक में बड़ी आवाज आती है ई। ई से इमली, ई से ईख। तो आज हम ई से इमली वाली मात्रा सीखेंगे, ठीक है? हमने पहले क्या कौन सी मात्रा सीखी थी कल? आ की मात्रा सीखी थी ना? आज हम सीखेंगे ई की मात्रा। तो अब देखते हैं कैसे। ये क्या लिखा हुआ है? जब ई की मात्रा किसी भी वर्ण में लग जाती है तो उसकी आवाज बदल जाएगी कि नहीं? जैसे कल हमने आ की मात्रा सीखी थी तो उसमें ल वर्ण में हमने आ की मात्रा लगाई तो आवाज कैसी हो जाएगी? आ की मात्रा लगाई तो ला, है ना? ल में आ की मात्रा लगाई तो बन गया ला। प में आ की मात्रा लगाई तो बन गया पा। स में आ की मात्रा लगाई तो बन गया सा। यानी कि मात्रा लगाने के बाद वर्ण की आवाज बदल जाती है। तो कल हमने आ की मात्रा लगाई थी तो आ की मात्रा की आवाज आने लगी थी। आज हम लगाएंगे इ की मात्रा। तो पहला वर्ण क्या लिखा हुआ है? क। क्या लिखा है? और छोटी की मात्रा लगती कैसे? ऐसे। आ की मात्रा में तो बहुत आसान था, एक डंडा लगा देते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे? एक डंडा तो लगाएंगे लेकिन इधर से एक चोटी चढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये होती है छोटी ई की मात्रा। जैसे क में छोटी ई की मात्रा लगी तो बन गया की, ठीक है ना? आवाज बदली, बदली कि नहीं बदली? अब क में क की तो आवाज आएगी लेकिन ई की भी आवाज जुड़ जाएगी तो बन गया की। चलो भाई अगला वर्ण देखते हैं। प, छोटी ई की मात्रा। प पर छोटी ई की मात्रा, क्या बोलेंगे? पी। वेरी गुड। ड, छोटी ई की मात्रा तो बन गया डी। ट, छोटी ई की मात्रा, क्या आवाज होगी? सब बच्चे बोले। फिर क्या होगा? जी। सब बच्चे बोलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि वर्ण पे जब कोई भी मात्रा लगती है तो उस मात्रा की भी आवाज उसमें जुड़ जाती है, आने लगती है। अब अगर हमें की से कोई शब्द बनाना है तो हमने क्या बनाया है? की से किरण, पी से पिल्ला, डी से डिब्बा, टी से टिकट, जी से जिशान, ही से हिरन, सी से सिक्का, ली से लिखना। तो अब कौन बच्चा आगे बढ़ाएगा? जोर से बोलो।